डेली डेली ना सेम सेम दाल खाने का मन सा नहीं करता। अगर आपको कभी फ्लेवर चेंज करना हो ना, तो साबुत मूंग की दाल भी बहुत टेस्टी बनती है। आज मैं बना रही हूँ टेस्ट के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर युक्त साबुत मूंग की दाल। हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया है। मैं साबुत मूंग की दाल को डायरेक्ट कुकर में बना रही हूँ। आप चाहो तो इसे पहले बॉईल करके फिर तड़का लगा सकते हैं। अब मैं कुकर को चढ़ा लेती हूँ गैस पर। गैस की नॉब ऑन करके मैंने कुकर में थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल दिया है। ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें डाला 1/2 टेबल स्पून जीरा, 7 से 8 लहसुन की कली, 2 बड़ी इलायची और 4 लौंग, 2 कटी हुई हरी मिर्च और प्याज जो मैंने कट करके रखी थी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक, इन सभी का पेस्ट बना के ऐड कर दिया है। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। देखिए, मसालों से अच्छे से ऑयल अलग हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप साबुत मूंग दाल, जो मैंने 7 से 8 घंटे भिगो कर और अच्छे से धो कर रखी है, और 1.5 कप पानी। पानी और दाल को अच्छे से मिक्स करके मैंने लास्ट में इसमें ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाले को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद हमें इसे मीडियम आंच में 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पकने देना है। कुकर में 3 सीटी आ गई हैं। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, जिससे कि आसानी से कुकर का ढक्कन खुल सके। देखिए, हमारी दाल बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई है। दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी हरा धनिया पत्ता। अगर आपकी दाल ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ना, तो आप इसमें गर्म पानी डाल के अपने अकॉर्डिंग पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। दाल दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। चलिए सर्व करके देख लेते हैं। मैंने ये दाल राइस के साथ बनाई है। राइस को मैंने ओवन में कुक कर लिया था। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।